कक्षा 11वीं भौतिक, मैं आरएस प्रसाद सर आज आप लोगों को भौतिक जगत एवं मापन का भाग सात कराने जा रहा हूं। चलते देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो ये सीजीएस पद्धति में किसी पदार्थ का घनत्व जो है 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, यानी ये N1 का मान दिया हुआ है कितना 7.8 सेंट ग्राम है और प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। चलिए इसका मान उस पद्धति में ज्ञात करिए जिसकी लंबाई का मात्रक 5 सेंटीमीटर तथा द्रव्यमान का मात्रक 20 ग्राम है। चलिए पहले हम देखते हैं घनत्व की विमा क्या है। तो ये U1 हो जाएगी, ये होती है ML-3, ये इसकी विमा होती है। तो विमीय सूत्र लिख दिया हमने, M1 L1 ले लिया, तो बताना पड़ेगा M1 का है में, M1 है हमारा ग्राम में, तो ये ग्राम में ले लिया हमने, और L1 का है में है, ये है आपका सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर लिख दिया गया। ऐसे ही U2 जो लेंगे तो U2 बिल्कुल इसी का होगा लेकिन M2 लग जाएगा, तो M2 हो जाएगा, L2 हो जाएगा और power-3 हो जाएगी। यहां बताना पड़ेगा M2 काहे में है, इन्होंने जो द्रव्यमान लिया है वो 20 ग्राम का लिया है, तो 20 ग्राम लिख दीजिए इसको, और L2 जो है वो सेंटीमीटर में था या 5 सेंटीमीटर दे रखा, तो 5 सेंटीमीटर लिख दीजिए। अब हमें क्या निकालना है, N2 का मान निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, N1U1 = N2U2, इससे हमें क्या निकालना है, N2 का मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा N1 तो U1/U2 हो जाएगा। चलिए N1 का मान तो हमें पता है 7.8, U1 का मान रख देते हैं, तो M1 है, L1 है, power-3 है, ऐसे यहां क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा, L2 हो जाएगा और power-3 हो जाएगा, और क्या होगा 7.8 हो गया, ये हो जाएगा M1/M2 और यहां क्या हो जाएगा L1/L2, लेकिन पावर कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 7.8। M1 कितने हैं देख लीजिए, M1 है आपका ग्राम में, तो यहां ग्राम लिख दीजिए, और बटे में M2 है वो 20 ग्राम है देखो, तो यहां 20 ग्राम कर दीजिए। ऐसी L1 को ध्यान से देखिए तो सेंटीमीटर में है, और L2 को ध्यान से देखो तो कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यहां 5 सेंटीमीटर लिख दीजिए, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी, तो 7.8 है देखो, ग्राम से तो ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी कट जाएगा, तो ये तो 1/20 हो जाएगा, और ये 1/5 होगा, लेकिन 5 को जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर इसकी 3 हो जाएगी, यानी 5^3 हो जाएगी, और सही कर लीजिए तो 7.8 × 1/20 और गुणा हो जाएगा 125, 5×25 = 125। अब जरा गुणा भाग करनी है तो देखते हैं गुणा भाग करके कितना आता है, ये तो 5 से काट लेते हैं, तो 5×10 5×25 और 5×4 = 20, 4 से कटता है क्या, 2 से तो कटेगा ही कटेगा, 2×2 = 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2×3 = 6 और 2×9 = 18। अब और गुणा भाग लगेगी, गुणा भाग करके देखते हैं आता क्या है, ये जो आ जाएगा 48.75 मात्रक आ जाएगा, यही आंसर है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या है हमारे पास। ये एक दिया हुआ है A-BP-T2 = 0 में A/B का विमीय सूत्र याद कीजिए, जहां P दाब और T समय है। तो चलो मैं भी लिख लेता हूं, A-BP है और माइनस का T2 है = 0। तो इसमें वास्तव में जो देखिए वो T समय है यहाँ पे, तो हमें A और B की पहले विमाएं निकालनी पड़ेंगी, तो इसको T2 को जरा इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका A-BP और बराबर का T2, यानी क्या हो जाएगा, A की विमा बराबर T2 की विमा होगी, तो A की विमा निकालनी है, T2 जो होता है T होता है, तो T2 हो जाएगा ये, इसकी विमा ले लेंगे तो। अब इसके बाद देखिए BP की विमा बराबर किसकी हो जाएगी, T2 की बीमा होगी, तो हमें चाहिए B की बीमा, तो ये हो जाएगा T2/P की बीमा। अब इसमें T2 की बीमा रखी जाएगी,
टी स्क्वायर की बीमा टी टू होती है और पी की बीमा होती है एम एल माइनस वन टी माइनस टू होती है। तो अब इसको जरा सही कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा ये, ये हो जाएगा m माइनस वन हो जाएगी पावर और l ऊपर हो जाकर के प्लस का हो जाएगा और t कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये तो ये आपकी बीमा होगी b की। हमें क्या निकालना है, a अपॉन b की बीमा, तो निकाल दीजिए a अपॉन b की बीमा। तो a की बीमा हमने अभी निकाल रखी, ये t2 थी बीमा हमारी, तो a की बीमा हमने t2 रख दी है और B की बीमा अभी निकाली है, M माइनस वन है, L है और T 4 है। देखिए M ऊपर जाके प्लस हो जाएगा और L माइनस वन जाएगा और T कितना हो जाएगा, T माइनस का 2 बच जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से कर सकते हैं आप लोग। चलिए एक और देख लेते हैं, ये सूत्र वैसे कई बार हम कर चुके हैं लेकिन अब केस में A अपॉन B का विमीय सूत्र मांगा गया है। तो चलते हैं पहले इसमें जो लिखा हुआ है, पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर है और वी माइनस बी है और बराबर आर टी है। तो वी की बीमा जो होगी वही बी की बीमा होगी, तो बी की बीमा लिख लेते हैं पहले, बराबर किसकी हो जाएगी, वी की बीमा हो जाएगी। वी है आयतन, तो आयतन की बीमा जो होती है वो एल थ्री होती है। अब इसके बाद निकालना है ए अपॉन वी स्क्वायर की बीमा, तो इसमें ये a अपॉन v स्क्वायर इन दोनों की बीमाएं बराबर होंगी, तो लिखना पड़ेगा a अपॉन v स्क्वायर की बीमा बराबर p की बीमा। तो इसमें हमें a की बीमा चाहिए, a की बीमा निकालेंगे तो p v स्क्वायर की बीमा हो जाएगी। चलिए P की बीमा क्या होती है जरा ध्यान दीजिए, ये होती है एम एल माइनस वन टी माइनस टू होती है और V की बीमा क्या होती है, एल थ्री होती है और इसकी पावर टू हो जाएगी। इसको सही करके देखिए क्या हो जाएगा, ये M हो जाएगा, L कितना, ये तीन दूनी छः, छः में से एक गया तो पांच बच जाएगा और T माइनस टू ही है, तो ये एम एल फाइव टी माइनस टू हो जाएगी। हमें क्या चाहिए, a अपॉन b की बीमा चाहिए, तो a अपॉन b की बीमा निकालनी है हमें, तो यही क्वेश्चन है। तो a की बीमा हम निकाल चुके हैं, कितना है ये, एम एल फाइव है और t माइनस टू है और साथ में नीचे क्या है आपका, नीचे है b की बीमा, b की बीमा है l क्यूब, तो ये l क्यूब लिख दिया गया है। तो ऊपर अब कम करेंगे कितनी हो जाएगी पावर इसकी, 2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू। तो ये ए अपॉन बी की बीमा होगी और ये ही आंसर होएगा। ये बच्चों कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है घुमा फिरा करके। अब यहां देखते हैं एक और क्वेश्चन आपका दिखाई दे रहा है, ई बराबर है बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी में ए इंटू बी की बीमा ज्ञात कर दी, जहां ई ऊर्जा है, एक्स दूरी है तथा टी समय है। तो चलिए पहले सूत्र लिख लेता हूं, ई बराबर हो जाएगा बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी। तो सबसे पहले हमें a की बीमा निकालनी है, तो a की बीमा के लिए क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा कितना, b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा। ये सूत्र इस तरह से कुछ बनेगा, ए टी टी होगा बच्चों, यहां पे ध्यान रखना जरा, ये इस जगह पे ए तो हम निकाल ही रहे थे, तो यहां क्या आएगा, यहां पे टी आ जाएगा। तो देखते हैं एक्स तो दूरी है, तो वास्तव में क्या हो जाएगा, ए की बीमा बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे टी ई की बीमा हो जाएगी। तो देखते हैं जरा, एक्स तो दूरी है तो एक्स की बीमा क्या हो जाएगी, एल टू हो जाएगी, टी टाइम है तो टी की बीमा तो टी ही रहेगी और ये ऊर्जा है यानी जो कार्य की बीमा होती है वही होती है, तो क्या होती है, एम एल टू टी माइनस टू, तो ये हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू।
तो एल टू एल टू तो कैंसिल हो जाएगा, ये जो बच गया उसको ऊपर ले लेते हैं हम, तो बच करके आ जाएगा एम की पावर तो माइनस वन हो जाएगा, और टी तो आकर के एक प्लस का बच जाएगा, तो एम माइनस वन टी हो जाएगा। ये ए की बीमा निकल चुकी है, अब बी की बीमा निकालनी बाकी है हमारी। बी की बीमा वही होगी जो एक्स स्क्वायर की बीमा होगी, तो चलते हैं बी की बीमा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की बीमा हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर तो दूरी है, तो एल टू आ जाएगी इसकी बीमा। चलिए एल टू आ चुकी है इसकी, अब हमें किसकी निकालनी है, ए गुणा बी की बीमा निकालनी है, तो ए इंटू बी की बीमा यानी दोनों की बीमाओं की गुणा हो जाएगी। तो ए की बीमा कितनी है, ये है एम माइनस वन टी, और बी की बीमा कितनी है, बी की बीमा अभी अपने निकाली है, ये है एल टू। तो जरा दोनों को सही कर दीजिए, तो m माइनस वन हो गया, l टू हो गया और t आ गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे ये सूत्र दिया हुआ है, किसी कण का वेग निम्न समीकरण से दिया था, v बराबर ए टी प्लस बी अपॉन टी, जहां v वेग, t समय, a और b का विमीय सूत्र ज्ञात करना है। तो इस बार फिर से सूत्र लिख लेता हूं, v बराबर है आपका ए टी प्लस बी अपॉन टी, तो हमें ए टी की बीमा निकालनी है, ए टी की बीमा बराबर जाएगा वी की बीमा, तो ए की बीमा निकालनी है हमें, तो ए की बीमा बराबर क्या हो जाएगा, वी अपॉन टी की बीमा। तो वी की बीमा होती है एल टी माइनस वन, और टी तो टाइम है, तो टाइम की टी होगी, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, एल टी माइनस टू हो जाएगा। तो एक आंसर आपका आ चुका है, अब हमें चाहिए बी का बीमा, तो बी अपॉन टी की बीमा भी वी के बराबर हो जाएगी, यानी कि बी अपॉन टी की बीमा बराबर किसके हो जाएगी, वी की बीमा हो जाएगी। तो हमें चाहिए बी की बीमा निकालनी है, तो बी की बीमा बराबर कितना हो जाएगा, वी इंटू टी की बीमा हो जाएगी। V की बीमा होती है एल टी माइनस वन होती है, और T की बीमा तो T ही होती है, तो कितना आ जाएगा, कुल मिलाकर के ये L आ जाएगा, क्योंकि T T कट जाएंगे आपस में, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से हो सकता है, कोई खास मुश्किल नहीं है, आराम से करते हैं। किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र दिया हुआ एम एल टू टी माइनस वन, एस आई में इसका मात्रक क्या होगा ये बताना है आपको। पहले विमीय सूत्र लिख लेते हैं, विमीय सूत्र दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, m दिया हुआ है, l2 दिया हुआ है, t माइनस वन दिया हुआ है। तो ध्यान रखना m काहे में होता है, m तो किलोग्राम में होता है, s i मात्रक में, इस जो मात्रक की बात करें इसमें m किलोग्राम में हो जाएगा, l काहे में होगा, ये दूरी है तो मीटर में हो जाएगी, और t आपका समय है तो ये सेकेंड में हो जाएगा। तो देखिए मात्रक क्या निकल के आ रहा है, मात्रक जो हो गया m का हो गया द्रव्यमान, तो किलोग्राम हो जाएगा, और ये हो गया दूरी है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और ये बटे में कितना हो जाएगा, प्रति सेकंड है, तो ये आपका प्रति सेकंड हो जाएगा। तो यही इसका मात्रक होगा और यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, v वेग से गतिमान किसी पिंड पर कार्य करने वाले बल का सूत्र जो है F बराबर के वी स्क्वायर से प्रदर्शित है, जहां k एक नियतांक है और k का विमीय सूत्र बताना है, यानी F बराबर है के वी स्क्वायर, v वेग है, तो चलिए k का विमा निकालते हैं, k बराबर कितना हो जाएगा, F बटे वी स्क्वायर हो जाएगा। तो k की विमा निकालनी है हमें, तो k की विमा निकाल सकते हैं आराम से, कितना हो जाएगा, इधर f अपॉन वी स्क्वायर की बीमा हो जाएगी, तो f अपॉन वी स्क्वायर की बीमा, f तो बल है तो इसका होता है एम एल टी माइनस टू होता है, और v वेग है तो एल टी माइनस वन होगा, लेकिन इस पे कितनी है, घात दो लगी हुई है, इसको सही कर दीजिए, तो एम एल टी माइनस टू है, तो नीचे कितना हो जाएगा, ये एल टू हो जाएगा और टी माइनस टू हो जाएगा। देखो तो ये टी माइनस टू कट जाएगा, एक पावर एल की कट जाएगी, तो कितना बचेगा, तो यहां लिख लेते हैं के की बीमा बराबर कितना हो जाएगा, एक तो एम बचा और एल बच गया नीचे, तो पर जाकर के पावर माइनस वन हो जाएगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ज्यादा मुश्किल तो नहीं होना चाहिए।
यदि ऊर्जा वेग और समय को मूल मात्रक मान लें तो द्रव्यमान की विमाएं क्या होंगी, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो देख लेते हैं, ऊर्जा वेग और समय को मूल मात्रक मान ले रहे हैं तो इसकी विमाएं क्या क्या होंगी। तो पहले मैं ऊर्जा को जो दिखाना चाह रहा हूं, ऊर्जा उसको मैं ई से शो करूंगा, और वेग है, वेग को कैसे शो करें हम, इसको वी से शो कर दे रहा हूं मैं, और समय समय को मैं टी से शो करने जा रहा हूं, ये टी हो गया आपका। तो द्रव्यमान की विमा बतानी है, द्रव्यमान की विमा हमें बतानी है। तो द्रव्यमान की विमा निकालने के लिए जो है सूत्र लगाने हैं हम, तो ई यानी ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 1/2 mv² होता है सूत्र। तो m बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2e/v². अब इनकी विमाएं रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा m की विमा बराबर, दो तो है ही नहीं विमा में, तो ये e की विमा तो e ही रहती है, और ये v की विमा भी v ही हमने मान रखी है, v वेग है, देखो वेग की विमा तो इन्होंने मूल मात्रक में ही लिया हुआ है, वेग को भी मूल मात्रक में ले लिया तो इसको भी चेंज नहीं करेंगे हम, तो ये तो v ही रहेगा, v 2 हो जाएगा, तो e v माइनस 2 हो जाएगी इसकी विमा, और यही आंसर हो जाएगा। इसको हम बिल्कुल नहीं चेंज करेंगे, lt माइनस 1 में नहीं चेंज करेंगे बच्चों, ध्यान रखना, v को जो है हम किसमें lt माइनस 1 में नहीं चेंज करेंगे, ये ध्यान रखना है, ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि मूल मात्रक दे दिया इसने, वेग को भी मूल मात्रक बता दिया गया है। चलिए एक और ये प्रश्न देख लेते हैं, यदि बल ऊर्जा और वेग का मात्रक 100 डाइन 400 अर्ग और 100 सेंटीमीटर हो तो लंबाई द्रव्यमान और समय के मात्रक क्या होंगे, ये एक और अजीब सा क्वेश्चन है। इसमें बल जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, बल दिया है आपको 100 डाइन, और ये हो गया बल दिया 100 डाइन, और ये दिया हुआ है आपका ऊर्जा, ऊर्जा दी हुई है आपको 400 अर्ग, और वेग दिया हुआ है इन्होंने, वेग दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ये ऐसा कुछ दिया हुआ है। चलिए इन सबके विमीय सूत्र लिख लेते हैं, जरा बल का विमीय सूत्र होता है ML T-2, ये जो दिया हुआ है ये 100 दिया हुआ है डाइन आपका, यानी ये समीकरण नंबर 1 हो गई, और ऊर्जा होता है ML2 T-2 होता है, ये आपका कितना दिया हुआ है 400 दिया हुआ है, ये भी अर्ग में है, तो ये समीकरण 2 हो गई, और ये वेग का होता है LT-1, तो ये आपका कितना दिया हुआ है, ये 10 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है। अब इन्हीं को भाग करना है आपको समीकरण 2 को, ये समीकरण 2 है, इसको भाग करेंगे किससे, समीकरण नंबर 1 से, जरा भाग करके देखते हैं तो कितना आ जाएगा, ये ML2 T-2 है, इसको भाग किससे देना है, ये देना है आपको ML T-2, तो ये कितना हो जाएगा, ये 400 है और बटे में 100 है, तो दोनों जीरो कट जाएगी, तो ये बाकी सब कट जाएगा, देखो इसमें तो कितना बच जाएगा, ये m से m कट जाएगा, और इस l से ये पावर कट जाएगी, ये भी इससे कट जाएगा, तो केवल l बच जाएगा, तो l का कितना हो गया, यहाँ पे ध्यान से देखिए 4 आ गया, यानी कि 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, एक आंसर आ चुका है। इसके बाद देखिए दूसरा जो है वो इसके वर्ग से 2 को भाग करना है, यानी कि 2 समीकरण को भाग किससे करना है, ये समीकरण नंबर 3 के वर्ग से, तो ये समीकरण 3 का वर्ग कर दे रहा हूं मैं, तो जरा भाग करके देखिए क्या होगा, तो ऊपर है आपका ML2 है, T-2 है, और नीचे क्या हो जाएगा LT-1, इसकी पावर 2 हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना,
ऊपर तो 400 था और नीचे 10 का वर्ग हो जाएगा तो 10 गुना 10 हो जाएगा, तो ये भी आपका 4 ही आ जाएगा। लेकिन यहां से ध्यान से देखो तो ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये एम आ जाएगा। एम कितना हो गया, 4 ग्राम आ जाएगा। ये ध्यान रखना, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद बचता है केवल एक, ये जो है आपका दूरी आ गई थी, यानी कि लंबाई आ गया था, ये लंबाई का मात्रक था, ये द्रव्यमान हो गया था। अब क्या करना है, ये समीकरण नंबर मान लो ये क्या हो गई, ये चौथी समीकरण हो गई, तो समीकरण 4 को जो है भाग देना है किससे, समीकरण नंबर 3 से भाग कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, ऊपर एल है और नीचे क्या आ जाएगा, एल टी माइनस 1 है ये। तो भाग देने पे देखो वो कितना, ऊपर 4 है नीचे 10 है, तो ये कट के केवल टी बच जाएगा, टी समय हो जाएगा, तो ये 0.4 सेकेंड आ जाएगा, यही समय है। तो इस तरह से आपके आंसर निकल जाएंगे आसानी से, आप लोग कर सकते हो। नीचे ये एक्सरसाइज यहीं समाप्त हो रही है और यहाँ नीचे लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके, और मेरी वीडियो कम से कम लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे और बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो आपको तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।